नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मु चिन्मय प्रथमे हेडलाइन्स ओलंपिक्स रो बड़ खुशी खबर देला महिला हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल रे शक्तिशाली कंगारु दल को चटाइला धूली 1-0 रे ऑस्ट्रेलिया को हराई ऐतिहासिक विजय 1980 परे प्रथम थरो सेमीफाइनल रे एंट्री बालेश्वर विपद संकेत टपिला सुवर्णरेखा तलिया अंचल में बन्या आशंका राजघाट में 10.45 मीटर उपरे जलस्तर बालियापाड़ और भोगराई ब्लॉक रो तलिया अंचल पर बढ़ला विपद एसीएफ सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामला विश्वस्त सूत्र सूचना विद्या भारती को पुणि पचराउचरा कर पुलिस विद्या भारती उतला घर को जीव पालाखेमुंडी पुलिस कमुची पॉजिटिव को संख्या कमुनि मृत्यु पुणि 67 जीवनला वायरस खोर्धारु 12 सुंदरगढ़ 11 मृतक सेपटे राज्य में 24 घंटे 1032 को खसला पॉजिटिव को संख्या खोर्धारु 237 कटकु 154 नुआ केस आजु राज्य में कोहल है कोरोना कटक कटक पुरी और भुवनेश्वर में मल और हल खोल को अनुमति राति 8 जाए खोल दुकान 50% क्षमता को नहीं चलो होटल और रेस्टोरां नीलगिरी में धरा पड़ा लघु खनिजर चोरा चलाण एसडीपीओं राति पेट्रोलिंग बेले धरा पड़ा कारबार 8 जन को अटक रखी पुलिस पचराउचरा कारबार पछे बड़ हाथ संप्रति सन्देह डिजिटल इंडिया दिगरे आउ एक पाद आज ई रूपी को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल पेमेंट पर कैशलेस एवं कंटाक्टलेस माध्यम उपकृत हेबे साधारण जनता शेषे बाहरीन हॉस्पिटल रे गुरुतर अवस्था रे ओडिया श्रमिक सहायतार हाथ बढ़ाइले बाहरीन ओडिया समाज रो प्रतिष्ठाता डॉक्टर अरुण कुमार प्रहराज कहिले ओडिया भाई को जीवन बचाइबा पई यथा संभव उद्यम करे बुलेटिन आरंभ करिबा टोकियो ओलंपिक्स खबर रो इतिहास रचिला भारतीय महिला हॉकी दल विश्व नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया को हराई सेमीफाइनल रे पहुंचिला टीम इंडिया 1980 परे प्रथम थर सेमीफाइनल रे पहुंचिछि दल 1-0 गोल रे ऑस्ट्रेलिया को हराई ऐतिहासिक विजय हासिल करिछन्ते 22तम मिनिट रे गुरजीत करंक गोल बल रे भारत आगुआ होइथिला आ एही गोल ही निर्णायक होइथिला शेष पर्यंत कंगारू दल भारत डिफेंस उपरे चाप पकाइबा को चेष्टा करिथिला तबे कमाल करिथिला भारतीय डिफेंस शेष मुहूर्त रे बैक टू बैक पेनाल्टी कॉर्नर मिलिथिले भी सब प्रयास को रोकिथिला भारत संपर्क में अधिक सूचना पाई हम सहित फोनलाइन में जोड़ी आम प्रतिनिधि सुशांत साहू जोड़ी सुशांत आज महिला हॉकी टीम रो दमदार परफॉर्मेंस को नहीं कौन रही अधिक अपडेट देखो चिन्मय आप जो कथ कहते जो भारतीय महिला हॉकी दल टोक्यो आज तार दम देखे कहले अच्छी हम ना सहित आप जो डिफेन्स कथ कहते जो डिफेंडर मैंने आज जो भाई प्रदर्शन करशेष भाव गुरजित गोटाए गोल बल से भारत 1-0 मैच जीति सत कि डिफेंडर मैंने जो भाई प्रदर्शन करते जो मैच की विजय से पाखु जावाई आप देखिपे जिते बड़े चारोटी जो क्वार्टर देखिए चारोटी क्वार्टर अधिकांश समय सब भारत पक्ष में सब रही बल अने पक्ष ऑस्ट्रेलिया खेला मैंने सब भाव भारतीय क्वार्टर को मानने एक प्रकार आक्रमणात्मक भाव खेली था अने पक्ष भारतीय डिफेंडर मैंने जो भाई भाव तक 7 पेनाल्टी कर्नर जो से पेनाल्टी सुट नाकच कर देते सहित अन्य जिते भी ऑस्ट्रेलिया खेला मैंने अटाक करते नाकच कर दूसरे नियत कह गा गोटे जो विजय होती भारतीय महिला दल जो डिफेंडर मैंने रोचे श्रेय जावा निहत आवश्यक विशेष भाव में आप जानते जड़े ओडिशार खेला रही कि दिग्रेस एका सी भी महिला हॉकी दल डिफेंडर भाव खेली थी आज मैच जदि कह दिग्रेस प्रदर्शन बहुत भल रही अन्य पक्ष जदि आप देखते विश्व रैंकिंग भारत वर्तमान महिला हॉकी दल वर्तमान 9 नंबर रही ऑस्ट्रेलिया गोटे दल जी सब आप देखते टूर्नामेंट आरंभ कहला जदि ऑस्ट्रेलिया जीत मैंने यार ओलंपिक चंपियन हबार संभावना बेसी रही पूर्व ऑस्ट्रेलिया दल तीन थर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीति सारी
तेरे भारत क्वार्टर फाइनाल ले आम समस्त आशा करूँ भारत किसी फाइट कर भल प्रदर्शन करूँ आप देखू भारतीय दल कौ भाव एक शून्य गोल रे ऑस्ट्रेलिया को परास्त ऑस्ट्रेलिया को आ गोटे गोल स्कोर करने को सुजोग ही देनी तेनाली तो पक्ष देखिले गत काली भारतीय पुरुष हकी दल 49 वर्ष पर इतिहास जीतला बर्तमान सेमिफाइनाल आसंता काली बेल्जियम को भेट भारतीय पुरुष हकी दल निहत भाव आम तुम्हें आशा करूँ भारतीय दल जी रही विश्व चंपियान बेल्जियम सुशांत बर्तमान हकी पुरुष दल और महिला दल उभय सेमिफाइनाल पहुंची जहां भारत अति गौरव कथा जे बर्तमान ऑस्ट्रेलिया को मात दी महिला हकी टीम बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत आप तमाम सूचना पुणी निराश कले दुति 100 परे 200 मीटर रे भी परवर्ती राउंड को क्वालिफाई करि पारिले नै हिट 4 रे दौड़ीथिबा दुति सप्तम तथा शेष स्थान रे रहिछन्ति 23.85 सेकंड रे टाइमिंग सह दुति शेष स्थान रे रहिछन्ति हिट 4 रे 22.11 नामिबिया रा एथलीट सी मबोमा प्रथम स्थान रे रहिछन्ति पूर्वरु 100 मीटर दौड़ रे निराश करथिले दुति चांद 11.54 सेकंड सह से सप्तम स्थान में रही है भारत पक्षर एकमात्र आथलेट भाव दुईट इवेंट में भाग नहीं दुति ओडिशा सह पूरा भारत नजर दुति बेले दुति निराश कर आसो परवर्ती खबर को सुवर्णरेखार विपद संकेत छुईला जलस्तर बालेश्वर जिला सुवर्णरेखा नदी तलिया अंचल रे बन्या आशंका देखादी जलेश्वर राजघाट विपद संकेत 10.36 मीटर टपिछे आज सका 7 सुधा बन्या पानी विपद संकेत 10.45 मीटर उपर प्रवाहित हो सुवर्णरेखार बन्या आशंका देखादी बालियापाड़ ब्लक्र तलिया अंचल कुदमानसिंह सूर्यपुर गुणपुर आठपटिया सुंगमुह विष्णुपुर अस्ति मधुपुर रे पानी पशी रास्ता बुड़ी ते विपद संकेत चपिला सुवर्णरेखा बालेश्वर जिलार सुवर्णरेखा नदी रे थिबा तलिया अंचल रे वर्तमान बन्या पानी पशिछि एवं जलेश्वर राजघाट विपद संकेत 10.36 मीटर रही सका 7 सुधा बन्यापा विपद संकेत 10.45 मीटर उपर प्रवाहित हो सुवर्णरेखा बन्या आशंका बर्तमान देखाई बालियापाड़ ब्लक्र तलिया अंचल बर्तमान रास्तार पा पशुच्छ एसीएफ सौम्य रंजन महापात्र मृत्यु मामला विश्वस्त सूत्र सूचना अनुसार विद्या भारती पचराउचरा कर पुलिस पुणी तदंत विद्या भारती घर को जीव पालाखेमुंडी पुलिस एवं पर्यंत मिली समस्त तथ्य को नहीं पचराउचरा कर पुलिस उदला जा पुणी सत खोज पुलिस संपर्क में अधिक अपडेट पर आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती आम प्रतिनिधि जितेन्द्र बारिक जितेन्द्र वास्तविक घटना कौन कौन अपडेट देवाई चाहिए कारण जहाँ बर्तमान विश्वस्त सूत्र सूचना मिलूँ जो विद्याभारती पुणि थे पुलिस जेरा कर पचरा उछरा कर देखो चिन्मय समीर रंजन महापात्र सन्देहजनक मृत्यु घटना खुलास करने तदंतकारी टीम चार चारि जिला गस्त कला हाथ खाली पड़ी जो तदंतकारी टीम अच्छा सहयोग कर तथापि पुलिस प्रकार सुराग पाई कि जो घटना जुलाई 18 तारीख दिन समीर रंजन महापात्र स्त्री जो अच्छा विद्या भारती जाइला जुलाई 18 तारीख दिन सेठू किसी तथ्य पाई पुलिस परवर्त समय अनेक लोक जेरा घटला परवर्त समय जो मान जेरा कर बयान तथ्य लगी आज जा जो तथ्य सब लगी तार पुंखानुपुख तदंत कर पचरा उचरा कर विद्यार्थी को मयूरभ जो कक्षीपदा अंचल जो रोते विद्यार्थी घर पाक जीव जहाँ विश्व सूत्र खबर पाई निश्चित भाव में बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर तमाम सूचना जितेन्द्र आम प्रतिनिधि आम सहित जोड़ होते जहाँ विश्वस्त सूत्र खबर आसूँ आज पुणी थे पुलिस विद्या भारती सौम्य मृत्युर रहस्य नहीं अधिक पचरा उचरा कर उदला स्थित बासभवन को आज पुलिस जबार जहाँ सूचना रही
पुणि बाउंसरे बुहा हेले रोगी रास्ता नथिबारु गां को आसी पारिला नाही आंबुलांस फळरे बाध्य होई बाउंसरे रोगी को बोहिबाक पडिछि। ए घटना घटिछि कोरापुट उपांत अंचल नारायणपाटना ब्लॉक तेंतुली पदर पंचायत अंतर्गत तळ रंगपाणी गारे गार मधु हुईका दुई दिन तळे ज्वरे पडिथिबा बळे घरे रहुतिले। आज तांको देह अधिक असुस्थ हेबारु गार किछि युवक ओ तांको स्त्री सहित मिसि तांको काउडी करि घंच जंगल रास्ता देई बोहिनिथिले। तबे संपर्क अधिक सूचना पाई हम सहित फोन लाइन रे जोड़ी छथि हम प्रतिनिधि बंशीधर हलवा। बंशीधर, वास्तविक के घटना कोन देखन तो चिन्मय वर्तमान कोरापुट जिला नारायणपाटना एक आदिवासी बहुल अंचल हो कौन गाँव को मध्य माने रास्ता मध्य नहीं स्वाधीनता दीर्घ वर्ष पर आदि जाए रास्ता नहीं तो दुई दिन तले जड़े मधुशिका जे कि नारायणपाटना ब्लॉक टेंसुलपदर पंचायत तल रंग पा गाँव मधुहिका दुई दिन तले ज्वर पीड़ित होते ज्वर पीड़ित होवर कौन गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र किंवा कौन मेडिकल को निला जहाँफल आज से बहु असुविधार मान बहु ज्वर पीड़ित होगा हेतु बुआई एक बाउंश घंच जंगल देखिए हस्पिटाल को। बंशीधर, ये प्रथम घटना ना एभली घटना पूर्व देखा मिली। हाँ मैडम, देखु माने बहुबार माने कोरापुट जिलार बहु अंचल रास्ता नहीं गाँ को तो से सठिक समय से हॉस्पिटल जाई पार ना कि चिकित्सा भी हो पार ना जहाँफल किसी लोक मृत्युवरण कर हॉस्पिटल जीवा बाटे रास्त मृत्युवरण कर तो आज दृश्य हूँ मैडम देखु माने उपांत अंचल रंगपाणी गाँव रे से गाँ मुंड एक एशिया महादेश बड़ कंपनी नालको अच्छी से गाँव रु मात्र 2 किलोमीटर तले 2 किलोमीटर ऊपर को अच्छी एशिया महादेश माइनिंग पंचवटी माली किंतु से ही रास्ता देखी समस्ते नेता ऑफिसर जिला समस्त से बाट दे जीवासवा करूथले मध्य कहार दृष्टि गोचर हेउ नाही एवं एभली घटना बारंबार देखबा को मिलुची। बहुत बहुत धन्यवाद आपनकर तमाम सूचना पाई वंशधर। राज्य में कमुची पॉजिटिविटी संख्या किंतु कमुनी मृत्यु पुणी 67 जीवन नहीं वायरस एथिरे खोर्धारु 12 सुंदरगढ़ 11 और कटकु 10 मृत करते मिसाई राज्य में मोट करोना जनित मृत्यु संख्या 6033 पहुंची। सेपटे राज्य में 24 घंटे 1032 पॉजिटिव चिन्हट होती खोर्धारु 237 कटकु 154 जगत सिंहपुर 82 और अनुगुल 48 नुआ केस सामना को आसी। आजठू भुवनेश्वर कटक पुरी में कोहल हो कटक एणिकी राति 8टा पर्यंत दुकान खोला रहा बेले सिनेमा हॉल बार रेस्टोरेंट और मॉल खोल को अनुमति मिली तेज राति 8टा सकाल 6टा जाए नाइट कर्फ्यू लागू हो सरकार पक्षर् जारी होता नुआ गाइडलाइन रे किसी जिनस कटक कोहल हो 50% क्षमता को नहीं रेस्टोरेंट बार खोली पार तेज 50% दर्शक क्षमता को नहीं सिनेमा हॉल मध्य खोला जाई परिबो समुद्रकूल बीच पार्क खोला रखा को अनुमति मिलता बेले गाइडलाइन मानिबे पर्यटक से हीपरी सीमित संख्यक ग्राहकों को नहीं राज्यर समस्त मॉल खोला जाई परिबो। अन्य पक्ष रे रास्ता कड़े दुकान में बस खाई लोके जीवन जीविका समन्वय रखी राज्य सरकार कटकणा को कोहल कर तबे संपर्क में अधिक सूचना पाई हम सहित कटकु आम प्रतिनिधि इमरान खान जोड़ी होती। इमरान, वर्तमान कटक रु कौन दृश्य आसी पहुंचुची कारण जेहेतु आज सामान्यतम कोहल कर खासकर भुवनेश्वर कथा कहतु कटक कथा कहतु जितेबाला सपिंग मॉल गुड़िक बंद थी पार्क बंद थी एवं सबकि कटका भितर था आज सामान्यतम कोहल होमती चित्र देखुं देखो तो चिन्मय दीर्घ दिन अपेक्षा था जेहतु के मल खोल आपने जेहतु संक्रमण बढ़ुता और कटक रेड जोन में आसूला और जेहतु ये कटका को अधिक कठोर करपाई मल ठार आरंभ करके रेस्टोरेंट पार्क और जिम ता सहित सिनेमा हॉल सब बंद था कि जेहतु अनलॉक 3.0 जेहतु 1 तारीख आरंभ हो नुआ गाइडलाइन आेहतु कटक दीर्घ मस है पाखापाखि मे मस जो बड़े लागू है लॉकडाउन से ही समय मल बंद था और जेहतु आज मल खुली मुझे दृश्य बर्तन देखेबी आम अच्छे कटक रोटे सपिंग मल्र दृश्य देखेबी ये जेहतु पाखापाखि 3 मास बंद थी सपिंग मल बंद थी जो विभिन्न
जो सब सप करते सब दुकान बजार सब बंद थी गोटे प्रकार कहीपर आम व्यवसाय पूरापूरी भाव में ठप हो जाता कि आज जेहतु पाखापाखि मे मस पर आरंभ होता लॉकडाउन और जेहतु धीरे धीरे संक्रमण अधिक बढ़ुला से पूरापूरी भाव में कटक कठोर कर जेहतु अनलॉक 1.3.0 अगस्ट प्रारंभ आरंभ होती पूरापूरी भाव में कटक कोहल कर जिम तो जेहतु 15 तारीख पर खोल कि मल सपिंग मल रेस्टोरेंट और सिनेमा हल आज एक तारीख खोल जाती है जेहतु कटक भुवनेश्वर और पूरी में सातांत सटडाउन लागू रही है से आज सोमवार सब सपिंग मल खुली दृश्य सीधा सब देखिपे किसी दुकान बनुच्छे कि आज जेहतु किसी दुकान खुली से पूरापूरी भाव में संपूर्ण जो कोविड गाइडलाइन रही है पालन करके आज सपिंग मल खोल सहित जो रही जो जो मैंने आसबे इटे ग्राहक मैंने आसबे से जो द्वितीय डोज टीका नहीं ना जो मैंने वरिष्ठ नागरिक से सर्टिफिकेट देखा पर ही मल भितर जा अनुमति मिल आम सहित एठाकार जो मैंने सब कर्मचारी अच्छा जो मान दुकान दीर्घ दिन बंद थी मालिक समस्त अच्छा समस्त निहतर अपेक्षार थे केवे मल खोल कि दुकान मध्य खोलिए आम सीधा सड़क आलोचना करवा जेहतु मे मसू लकडाउन लागू होता मल बंद थी और जेहतु अगस्ट आरंभ पुणी प्रारंभ जो नुआ गाइडलाइन आ मल खोल अनुमति मिलला केमती आपड़ जिते बड़े बंद थी ठप थी केमती आपंपर व्यवसाय सब ठप थी और कितने असुविधा पत्र सम्मुखीन होता है ओब्वियसली तो बंद थी मैंने तो बहुत लोग हैरान होते कारण लोक मैंने भड़ा देवा पड़ी स्टाफ मेन्टेन कर समस्त निश्चित भाव कष्टदायक जिनस अच्छी कितना बट मल को बंद करा फर्रे मुझ नुह बिकज बहुत बाहर खोला ही जोटी आप बहुत पस एरिया था लोक भिड़ होते बट मल गोटे एमती कल्चर कि बिजनेस कल्चर जोटी सफिस्टिकेटेड लोक आसती कितनी असुविधा हुए नहीं बट मल कहीं बंद करते मुझे तरह आंसर पाऊ नहीं जो कोविड गाइडलाइन जो रही है नुआ गाइडलाइन तैयारी जो मैंने वरिष्ठ नागरिक मैंने मल को आसबे जो सर्टिफिकेट द्वितीय डोज टीका सर्टिफिकेट बोलते नहीं आसेंगे सहित तो कोविड गाइडलाइन को किपर भाव में आपने पालन कर निश्चित भाव में कोविड गाइडलाइन पालन करने कथा कारण आप आम मैंने पालन कराया तो सहीटा ही आग्रावेट हो तेणु प्रत्येक नागरिक कथा ठीक समय आ प्राप्तवयस्क लोक तो डेफिनेटली करा कथा कारण मोर्टालीटी पार्टा बेस हो तेणु मो हिसाब से सरकार डिसीजन बहुत स्ट्रंग डिसीजन भल डिसीजन देखते आप प्रतिक्रिया शुणुते जेहतु दीर्घ मस धरी मल बंद थी मल खोल जाती से बंद थी जो व्यवसाय ठप हो जाता है अनेक कर्मचारी अनेक मालिक अनेक अधिक से असुविधा सम्मुखीन होते जेहतु भला ठार आरंभ कर निश्चित भाव में इमरान जेहतु बहुत दिन पर आज टी चलचंचल हो उठी बजार कितु या भितर आशा करवा जनसाधारण सचेतन हूँ एवं जेहेतु वर्तमान कोहल करती स्थान सपिंग मल ये सब खोल जा लोक मैंने गहली न जमातु कोविड जो आप्रोप्रिएट गाइडलाइन रही ये सब को पालन करूँ बहुत बहुत धन्यवाद इमरान आपंकर तमाम सूचना पाई नीलगिरी में धरा पड़ा लघु खणिजर चोरा चलाण एसडीपीओं राति पेट्रोलिंग बेले धरा पड़ा कारबार लघु खणिज द्रव्य चोरा चलाण करुवा गोटे पथर बोझे ट्रक पांचटी ट्राक्टर गोटे जेसीबी दुईट काठ बोझे पिकअप जबत हो नीलगिरी एसडीपीओं नेतृत्व में टीम पेट्रोलिंग करुवा बेले गाड़ी जबत हो मामलें 8 जन को अटक रखाई पचराउचरा तेज एटी बड़ प्रश्न क्या छत्रछाय तले और कहार साहस फल बेधड़ कारबार चली चोरा चलाण पछे कि बड़ ना काल राति पुलिस तरफ रु आम नीलगिरी विभिन्न अंचल आम नाइट पेट्रोलिंग विभिन्न स्थान रे चेकिंग करूँ यही परिप्रेक्षी में आम मिर्गिणी अंचल गोटाए जेसीबी आउ पांचटी ट्राक्टर जो मैंने चोरा मोरम चलाण करुले सेटा धरीचु आउ दुईटी काठ गाड़ी भी धराई गोटे पथर गाड़ी चोरा चलाण होता भी धराई पथर गाड़ी ड्राइवर को पचार जना पड़ा से कहला पथर बागुड़ी आनी आस आम कंटिन्यूसली एमती रेड जारी रही आउ ये प्रकार बेआईन चोरा चलाण माइनर मिनेराल आम बंद करने पूर्ण नवरंगपुर रायघर ब्लॉक रे माओवादी पोस्टर पुणी निज उपस्थिति जाहिर कले नक्सल 40 नंबर राज्य राजपथ में मारे बैनर और लिफलेट वर्तमान माओ सप्ताह चलता बेले पालन करने को आह्वान देखते माओवादी मेनपुर नुआपड़ा डिविजन तरफ यह पोस्टर लगता दावी कर केन्द्रापड़ा बीजेपी जिला संपादक ब्रजेश रंजन नायकों अतर्कित आक्रमण करते केन्द्रापड़ा एसपी स्टेनो शारदा प्रसाद सामल एक जरूरी बा एक कतुरी ने ब्रजेश को हाथ गोड़ छाती और पापुली ने आक्रमण करते गुरुतर अवस्था ब्रजेश को पाटकुरा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करा जाएगी पूरा घटना
ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ଯେ ପାଟକୁରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚପୁର ହାଟ ପରିସରରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଧମକ ଦେଇ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାଙ୍କ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଷ୍ଟେନୋ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରଜେଶ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ବ୍ରଜେଶ ଷ୍ଟେନୋଙ୍କ ଏପରି ଆଚରଣକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଷ୍ଟେନୋ ଶାରଦା ସାମଲ। ବ୍ରଜେଶଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। କତୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ରଜେଶଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଛାତି ଓ ପାପୁଲରେ ଅଚାନକ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଟକୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଥିଲା। ବ୍ରଜେଶଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଟକୁରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏସ୍ପିଙ୍କ ଷ୍ଟେନୋ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ସାମଲ, ତା ଭାଇ ସରୋଜ ସାମଲ, ତା ଦାଦା ନିରୋ ସାମଲ। କ'ଣ ପାଇଁ କଲିଛି? ସିଏ ଯେଉଁ ଆମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ମୋତେ ଆଟାକ୍ କଲା। ତ ଏଥିପ୍ରତି ପାଟକୁରା ପୋଲିସ କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଇଛି? ସେ ଆସିଥିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ, ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଆକ୍ସନ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇନି ନା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅରାଜକତାଟା, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଏଠି ପୋଲିସର କିଛି ଆଇନର କାନୁନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଥିବେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର କିଛି ମାନେ ଆପରି ଆକଟ କରିବାର କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ପୋଲିସଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ୍, ପୋଲିସଙ୍କର ଏସ୍ପିଙ୍କର ନିଜେ ଷ୍ଟେନୋ, ସିଏ ଯଦି ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ମାରିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ କିଏ? ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବହୁତ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ଆଜି ଦିନରେ ଗୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମହାଭାରତ। ରାଜଧାନୀର ନୟାପଲ୍ଲୀ ବେହେରା ସାହି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ। ଚାହା ଖଟି ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଗପୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ନୟାପଲ୍ଲୀ ବେହେରା ସାହି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥିଲା 20 ମିନିଟ୍ର ଘମାଘୁଟ ଲଢ଼େଇ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପାଦ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଇ ରୁପିକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବେ। ଇ ରୁପି ପର୍ସନ୍ ଏବଂ ପର୍ପୋଜ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଟେ। ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନେକ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ସରକାରୀ ଲାଭ ସିଧା ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଇ ରୁପିକୁ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଇ ରୁପି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏକ କ୍ୟାସ୍ଲେସ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟଲେସ୍ ମାଧ୍ୟମ। ଏହା କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଏବଂ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଆଧାରିତ ଇ ଭାଉଚର୍ ଯାହାକୁ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ବିତରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଏକକାଳୀନ ଦେୟ ପଦ୍ଧତିରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ଡ, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିନା ଭାଉଚର୍ ବାହାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ସହଯୋଗରେ ଏହାର ୟୁପିଆଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିକଶିତ କରିଛି। ବିପଦରେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍ ଧୋଇ ହୋଇଗଲାଣି 5 କିଲୋମିଟରର ବାଲିବନ୍ଧ। ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ସମୁଦ୍ର ଆଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବ ଏହି ରାସ୍ତା। ବିପଦରେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ମେରାଇନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରୋଡ୍, ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି। ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ସମୁଦ୍ର ଆଙ୍କୁ ଚାଲିଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା। ଏ ହେଉଛି ରାମଚଣ୍ଡୀଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ରେ ଧୋଇ ହୋଇଗଲାଣି 5 କିଲୋମିଟରର ବାଲିବନ୍ଧ, ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଅଧିକାଂଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଚେରୀ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାଚେରୀ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ପକାଇ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାମଚଣ୍ଡୀଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଆମର ଯେଉଁ ମଝିରେ ଇକ୍ୱରିଟର ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଇକ୍ୱରିଟରଠାରୁ 500 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଦୂରତାରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇକ୍ୱରିଟରଟା ଆମର ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଆସିକି ହେଲାଣି।
आसंता कालीठ खोल संबलपुर अधिष्ठात्री देवी माँ समलेश्वरी मंदिर माँ समलेश्वरी को भक्त दर्शन करेंगे। समलेश्वरी मंदिर समेत जिलार अगर धर्मानुष्ठान खोल तेज ए बाबद अधिक खबर पाई सीधासख जा संबलपुर को आम प्रतिनिधि मलय भई आम सहित जोड़ी होती मलय जेहेतु मंदिर गुड़िक अनेक दिन है बंद रही कौटि ना कौटि भक्तों भावावेग आघात करा जाउथिला बा भक्त माने याकु नेकी मध्य असंतोष व्यक्त करूथिले किंतु खुशीर कथा जे जिला प्रशासन वर्तमान निष्पत्ति नेछि एवं समलेश्वरी मंदिर खोलिबा पय जाउछि केमते रहिछि वर्तमान प्रस्तुति। निश्चित पक्ष चिन्मय देखु पाखापाखि तीन रु चार कोरोना द्वितीय लहर समय जो लॉकडाउन है या कोई पुणी समलेश्वरी मंदिर बंद होता समलेश्वरी मंदिर केवल कहीं जिलार समस्त धर्मानुष्ठान बंद रही है किंतु जिते बेले कोरोनार लहरी कोरोना संक्रमण संख्या जो कमुची ग्रीन जोन को संबलपुर मुहाँला परवर्ती समय मुख्य शासन सचिव प्रेसमिट कले और कहले जिला प्रशासन निष्पत्ति ने निज जिलार मंदिर खोल निष्पत्ति तो या कोई गत काली संबलपुर जिला प्रशासन समलेश्वरी मंदिर ट्रस्टबोर्ड कमिटी पक्षर बैठक होता जो निष्पत्ति निया आसंता काली तीन तारीख टू अगस्ट तीन तारीख टू समलेश्वरी मंदिर खोल सीधा सल आम सहित अच्छा समलेश्वरी मंदिर ट्रस्टबोर्ड सभापति प्रतिक्रिया ने देखु आज्ञा आसंता काली टू समलेश्वरी मंदिर खोल एथपाई कौन कौन व्यवस्था कराई जो कोविड कम संक्रमण रोज नहीं देखो का जिला प्रशासन सह जो आलोचना होता से निष्पत्ति निगला आसंता काली मंगलवार तीन तारीख दिन ठू मंदिर खोल सका छटू अपराह पूर्वाह एगारटा तीस और अपराह तीन टू संध्या सातटा तीस पर्यंत मंदिर भक्त मान दर्शन खोला रपूर्ण कोविड कटक पूर्व थर जमी हैंड सानिटाइजेसन मास्क व्यवहार और सोशल डिस्टेंसिंग थर्मल स्कैनिंग ये सब व्यवस्था करने निर्देशावल रही है और मंदिर मुख्य मंदिर भितर पाँच रु अधिक भक्त जमी प्रवेश न करेंगे से निर्देश अच्छे आम व्यवस्था करुचु तो से मंदिर प्रशासन संपूर्ण प्रस्तुत काली मंदिर खोलिबा एवं भक्त मान दर्शन किंतु मु आपनको माध्यम रे निवेदन करी जे जो माने वयस्क व्यक्ति निश्चिंत भाबरे मळे आशा करबा मंदिर जदियो खोला जाउछि किंतु या भितरे कोविड कटकणा मध्यम सेथारे पालन करा जाउ एवं भक्तको भिड़ को देखि मध्य समस्त प्रकार प्रस्तुति करा जाउ। बहुत बहुत धन्यवाद मळे आपनकर तमाम सूचना पाई समस्त छ बुलेटिन को एठ रखुछु नमस्कार।